ये सुविचार आपकी जिंदगी बदल देंगे, अवश्य सुने। नंबर एक, जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। नंबर दो, दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। नंबर तीन, ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो, आजकल साजिश रखने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। नंबर चार, ऐसे लोग भी मेरे आसपास है जिनके दिलों में जहर और ज़ुबान में मिठास भरी है। नंबर पाँच, ज़िंदगी की दास्तां भी कितनी अधूरी है, खुश दिखना खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर छः, दान करने से रुपया जाता है लक्ष्मी नहीं, घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है समय नहीं, झूठ छुपाने से झूठ छुपता है सच नहीं। नंबर सात, नौकरी की एक डेफिनेशन है कि भूखे आप मरोगे नहीं और पैसे वाले आप कभी बनोगे नहीं, ये तो एक ज़िंदगी काटने का जरिया है। नंबर आठ, अपने सपनों को आगे रखो, क्योंकि रिश्तों को आजकल कोई भरोसा नहीं है। नंबर नौ, दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। नंबर दस, गीता में कहा गया कि कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। नंबर ग्यारह, जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाढ़ से ही लौट जाता है। नंबर बारह, जीवन में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज मांगने की नौबत ना आए, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की ज़रूरत ही ना पड़े। नंबर तेरह, यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा मित्र कोई और नहीं हो सकता। नंबर चौदह, गिरते हुए पत्ते बताते हैं कि अगर बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। नंबर पंद्रह, अगर ज़िंदगी बेरंग है तो मेहनत करो, मेहनत हमेशा रंग लाती है। नंबर सोलह, वक्त यूँ रेत की तरह फिसलता रहा, कोई मिलता रहा तो कोई बिछड़ता रहा। नंबर सत्रह, कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। नंबर अठारह, जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक दूसरों की तकलीफ ड्रामा ही लगती है। नंबर 19, आंखों के नीचे काले घेरे बताते हैं कि होठों पर जो मुस्कान है वह झूठी है। नंबर 20, सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, शुभ विचार भी रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। नंबर 21, रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है, लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं लेकिन गहराई को तो कोई देखता ही नहीं। नंबर 22, जब घरेलू फैसला करने के लिए बाहर के बंदे की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लेना हमारा ख़ानदान बर्बाद हो चुका है। नंबर 23, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। नंबर 24, गलत का विरोध खुलकर करो, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। नंबर 25, शब्द चाबियों की तरह, यदि आप उन्हें सही ढंग से चुनते हैं वह किसी का भी दिल खोल सकते हैं और किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। नंबर 26, हर किसी का भाग्य व्यक्ति खुद निर्मित करता है, जो कर्म आज किए जा रहे हैं उनका परिणाम कल मिलेगा, और आपका आज का भाग्य आपके पूर्वकृत कर्मों का फल है। नंबर 27, जिस व्यक्ति में लालच नहीं उसे दुनिया में कोई भी कभी गुलाम नहीं बना सकता। नंबर 28, यूँ इस कदर खुद को निराश ना करो, क्योंकि संघर्ष हर जीवन का हिस्सा है। नंबर 29, ससुराल में पत्नी को जितना भी अपमान सहना पड़ता है वह सारा पति के कारण होता है, क्योंकि अगर पति पत्नी का साथ दे तो किसी की औकात नहीं कि ससुराल में कोई उसका एक आंसू भी बहा सके। नंबर 30, अच्छे चेहरे का इम्प्रेशन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन अच्छी सोच और सुंदर मन का इम्प्रेशन पूरे जीवन होता है। नंबर 31, जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है,
खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती है और सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में तब्दील हो जाती है। नंबर 32, जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार दो। बच कर रहना इन लोगों से, रोज़ लोगों के रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। नंबर 33, मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। नंबर 34, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना उनके साथ अच्छा करो ना बुरा करो, बस दूर रहो। नंबर 35, जीवन में जीवन साथी को छोड़कर इस पूरी दुनिया में आपका अपना कोई नहीं बन सकता, इसलिए समय रहते अपने जीवन साथी को पहचानिए। तो दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारी छोड़ देते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स।